दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं थी। किसी और से शादी नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सबकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए। तो जी चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो पब्लिक किया, बहुत सारे कमेंट भी आए, वो तेरे लोग जो हैं वो एग्री करते हुए नज़र नहीं भी आए, क्योंकि विचार जो है ज़रूरी नहीं आपके और मेरे सेम मिलते जुलते हों। लेकिन कुछ एक कमेंट जो है मुझे डिलीट क्यों करने पड़ते हैं, उसकी वजह यही है कि आप सभ्य भाषा प्रयोग करें। आपकी कोई निजी दुश्मनी हो सकती है, हो सकता है आप कोई फेक आईडी से मतलब कि आ रहे हो कमेंट करने के लिए, सपना के लिए, है ना। लेकिन भाई हमारी कोई भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग जो वीडियो में दिखाया जाता है, जो व्लॉग में दिखाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो हैं रिएक्शन या फिर कह दें अपने विचार आप लोगों के साथ साझे करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ पर एक बात आती है कि एक जो नारी है वो अबला नारी है, बेचारी है, वो दो बच्चों की माँ है, ठीक है। उसने बहुत दुख झेले हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टिल वो झेलती चली आ रही है। वो अपने इन-लॉज फैमिली को हमेशा उसने अच्छा दिखाया है ना। लेकिन वो खुद भी खुशी से ही सब लोगों के सामने आ रही थी। लेकिन अभी जो जैसे सूरज जी के बाद वो इतना रोती रहती थी, डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी कमेंट आते थे उसको कि भाई तुमने और राजवीर ने उनका हालचाल लेने जाते थे, दूर से ही देखते थे, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की गलती की वजह से सूरज जी आज इस दुनिया में नहीं है। तो सब लोगों को पता है इस बात का कि कोरोना की वजह से कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितने घरों के कितने परिजन इस दुनिया से चले, है ना। तो उसमें सपना राजवीर का क्या दोष था, कोई नहीं था ना, मिलने नहीं दिया जाता था, आप दूर से ही देख सकते थे उनको जिसको ये दिक्कत हुई, है ना। नेहा आशीष तिवारी, उसने भी अपने पति को खोया, है ना। तो भाई एक बच्ची डिप्रेशन में थी, उम्र बहुत छोटी थी, बार बार उसका वीपी लो हो जा रहा था, इतना वीपी लो हो रहा था क्योंकि कुछ महीने की ही तो उसकी बच्ची थी, दूध मुई बच्ची थी जब उसके पिता इस दुनिया से चले गए, है ना। माँ अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि माँ खुद ही एक बच्ची थी। तो उस समय राजवीर ने अपनी भाभी की सेवा की, है ना। वो डिप्रेशन में थी काफ़ी, तो उन दिनों में उसके सास ससुर ने या ससुराल वालों ने ये फैसला लिया कि राजवीर से ही इसकी शादी कर दी जाए कि देखो एक तो सूरज जी की निशानी इस घर में रहेगी। आप पहले मेरी बातों को ध्यान से समझना, सुनना, अब ये मत कहना कि डबल फेस। हम लोगों ने जो देखा है उसी के आधार पर वीडियो आप लोगों के साथ साझी करते हैं बातें अपनी, ठीक है। तो बहुत अच्छे बन के वो सबके सामने वो आए और उनको बहुत ही अच्छा बता रही हैं ये सपना भी। आप मैंने पहले भी वीडियो बनाई शादी की, आप लोग देख सकते हो कि सपना खुद ही से तैयार हुई थी, है ना। बहुत खुश थी, हरे रंग का उसने लहंगा पहना था, राजवीर जी के साथ बिल्कुल सादा संपन्न तरीके से उनकी शादी जो है वो हुई थी। और जी कुछ एक घर के मेहमान वगैरह थे, उन्होंने अगर अब लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट कर रहे हैं, सपना के भी वहाँ पर आप देख सकते हो कमेंट है कि जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर इतना बुरा हाल था तुम्हारा ससुराल में तो तुमने दूसरी जगह मतलब कि शादी क्यों नहीं की, इसी घर में शादी क्यों की। भाई मेरी बात सुनिए, एक इंसान, एक पहला पति बिल्कुल दरिंदगी की तरह उसको मारता कूटता था, ठीक है। वो रात गई बात आई गई वाली बात हो जाती थी, लेकिन दिन में वो फिर सब लोगों के सामने हंसती खेलती नज़र आती थी। ट्रिप पर भी जाते थे, दिल्ली का ट्रिप भी हुआ था, आप इनके पुराने व्लॉग देखें आप खुद ही समझ जाओगे बातें। फैमिली ट्रिप होता थे, लंच बाहर होता था, डिनर पर जाते थे, और जी बर्थडे सेलिब्रेशंस होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन ये वो कैसे भूल सकती है कि महीने में, दो महीने में, 15 दिन में कभी भी जब सूरज जी को गुस्सा आता था तो वो दरिंदगी के मतलब लेवल तक इसकी कुटाई पिटाई करते थे।
तो ये कहाँ तक जायज था, बात ये है ना। अच्छा, अब जो दूसरा पति है, दूसरे पति ने इतना प्यार दिया, उसके जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम पट्टी वो लगा रहे थे, है ना, एक तरह से, है ना, दिल के जख्म वो अपने किसी को दिखा नहीं सकती थी, लेकिन पति के प्यार ने उसको काफ़ी हद तक भुलाने की मतलब कोशिश करी थी कि भाई पहले पति वो भूल जा रही थी, उन जख्मों को वो कहीं ना कहीं भूलती चली जा रही थी, लेकिन क्या कहें, प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था, भगवान को कुछ और ही नीति को मंजूर था। दूसरा पति जो इतना प्यार और चाहने वाला था वो भी इस दुनिया से चला गया। अब ये स्टेटमेंट भी सपना के ही जुबानी है कि उसने कहा राजवीर जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब देखिए, राजवीर जी के लिए भी सब लोग कहते कि हमें नहीं पता कि उनके साथ भी इसका रिश्ता क्या रहा होगा ना, लेकिन देखो वो भी नहीं है इस दुनिया में, तो उनके लिए तो वो बहुत अच्छा बोल रही है, तो वो कह रही है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, है ना। तो भाई अभी तो जिंदगी जीना उसने सीखा था, तो वो भी एक बार फिर से उसकी दुनिया जो बस रही थी, जब बसनी शुरू हुई थी वो उजड़ गई, है ना। तो यहाँ पर किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं है, मैं यही बताना चाहती हूँ कि इतना दुख जब वो यहाँ तक आ गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बोलना बताना चाह रही थी नहीं हो पा रहा था, आज जो है उसने सबके सामने वो चीज़ें क्लियर कर दी। कहीं ना कहीं ससुराल वालों, एक इससे पहले भी उसके वीडियोस आए हैं, ये नहीं है कि इसने अब ये स्टेटमेंट दी है, ना ना ना, इससे पहले भी इसके वीडियोस आए हैं जिसमें उसने बोला है कि अंशु के मम्मी पापा जब आते हैं, जब मौसी जी जब आती हैं, उसकी सास के परिजन जो जब आते हैं मायके वाले, तो उसके सास बहुत खुश रहती है। उसने ये भी उसमें बताया था सपना ने कि भाई जो उसके अंशु के पापा हैं वो ये कहते हैं राजवीर जी के जाने के बाद, जो भी उनके म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, या इस चैनल का जो भी है, मतलब वो सारी अथॉरिटी मुझे दे दी जाए, मैं सारा हैंडल करूँगा, वो तेरी बातें हैं, बहुत कुछ झेला है भाई, वो क्यों दे दे, मेहनत करी है उसके पति ने और इसने, खुद सपना ने, सपना स्टिल अभी तक मेहनत करी है उसकी, अपनी बच्चियों की रोजी रोटी, जिंदगी के बहुतेरे खर्चे होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है ना, वो सारे यही से चला रही, कब तक वो किसी के आगे हाथ फैलाएगी। क्या आप लोग समझते हो कि उसके ससुर जो है वो इतना इजीली उसको वो मांगेगी, वो देते करते होंगे पैसे, है ना, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अब जो अच्छाई इसने लाकर सामने रखी है, अगर 75% ये सच है, तो 25% अगर कोई अच्छा है भी, पर 75% वो इतना बुरा है, तो वो 25% अच्छा बनके कर भी क्या लेंगे, है ना। इतना दुख देकर, इतने जख्म उसके कुरेद रहे हैं, तो अब हद होगी, वो अपने आप को अकेला फील करने लगे, और कब तक अपने मायके वालों के लिए गालियां सुनती नजर आएंगे। और आप लोगों ने देखा है कि जब वो मायके में होती वो कितना खुश रहती है, तो लोग ये भी कह रहे हैं वो मायके क्यों नहीं चली जाती, मैंने जैसे मॉर्निंग के वीडियो में बोला क्यों जाए वो अपना घर छोड़कर, दोनों पति इसी घर से थे उसके, दोनों बच्चे उसके इसी घर के हैं, वो क्यों जाए छोड़ के। बात तो ये आती है कि देखिए, वहाँ पर माता पिता ने भी अपने बच्चों को खोया है, है ना, वो ऑलरेडी दुख में है, वो भी बहुत परेशान है, है ना। अब कहा जाए, लोग कहते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको ये, अरे भगवान ने जो सज़ा दे रखी है इससे बढ़कर भी कोई सज़ा होगी। ये सारी बातें मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पर अपने हक के लिए अगर सपना लड़ रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, एक्चुअली में उसको मेंटल पीस मिलना चाहिए, जहाँ पर वो खुश रहना चाहती है वो वहाँ पर है, ये उसका खुद का डिसीजन होगा। कोई उसको ये ना कहे कि भैया घर से निकलो, घर छोड़ दो, क्यों छोड़ दे, उसकी यादें हैं, कड़वी हैं, अच्छी हैं, बुरी सब यादें हैं उसकी यहाँ पर, राजवीर जी के साथ अच्छी यादें हैं, सूरज जी के साथ कड़वी यादें हैं, उसके बच्चे यहाँ बड़े हो रहे थे, वो यहाँ से छोड़कर कहीं और बस जाए, तो ये तो उसका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है, हम उसमें अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, बस यही कह सकते हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए अपनी बच्चियों के लिए, अपने हक के लिए, जो कुछ भी है उसके पास वो उसका अपना है, वो किसी को भी गलती से कभी हैंडओवर ना करे, कोई कितना भी सगे वाला हो, इवन उसके खुद के फैमिली, मायके फैमिली वाले भी हो, किसी पर भी कभी भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें
कोई ओपिनियन लेनी भी है तो मेरे हिसाब से बहुत ही विश्वास वाले जो हैं वो लखन है, आप ले सकते हो उनसे ओपिनियन, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, उन्होंने आपके चैनल को लेकर भी आपको काफ़ी कुछ समझाया करा है ना, तो मेरे हिसाब से आप लखनी से बात कर सकते हो। वो बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत समझदार है, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, है ना। वो यहाँ से ही वहाँ तक अगर निया बीबी पहुँचे हैं तो खुद की मेहनत से ही वो पहुँचे हैं। अगर कोई सपना को कहता है कि अपना चैनल मुझे हैंडओवर कर दो, तुम्हारे म्यूचुअल फंड जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राजवीर जी की जो प्रॉपर्टी है वो, मतलब क्लेश जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर ही है। लेकिन सपना को क्यों कहा जाता है कि भई सपना जो है ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं, भैया उसको करने की ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी उसके बच्चों की है और उसकी खुद की है। लीगल अगर देखा जाए, लीगली देखा जाए तो ये सब कुछ उसका ही है। जिसका नहीं है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सपना इस घर से चली जाए, और वो लोग कौन है? ये सपना ने एक अपने वीडियो में बताया है आज से एक महीना पहले, ये अभी से शुरुआत नहीं है, शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। अच्छा, तो ये एक महीना पहले उसने अपने एक वीडियो में बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि इसके ससुर जो हैं वो जो फेक आईडी से वीडियोस बन रही थी, बहुत कुछ गलत सलत बोला जा रहा था, उसके लिए ये सपना के साथ गए थे पुलिस के पास, है ना, इन्होंने FIR भी करवाई थी, तो उसके ससुर गए थे, तो जाना पड़ना था ना उनको, क्योंकि उनके बच्चों का मामला था, उनके बच्चों के लिए गलत बोला जा रहा था, है ना। सपना के तो वो पति बाद में थे, लेकिन पहले तो उनके बच्चे थे ना, वो उनके बच्चों के लिए गलत बोला जा रहा था। अच्छा जी, बुआ सास के साथ भी सपना की एक वीडियो क्लिप जो है वो, बेशक वो फेक आईडी से या कैसे शॉर्ट वीडियो के थ्रू वो बनी, काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो उसको काफ़ी मतलब कि लेबर पेन लगे हुए थे पहली बेटी के समय में, तो कैसे सपना वो इतनी छोटी उम्र में, भाई देखकर ही कुछ हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें भी शूट करी गई थी, है ना, तो वो भी मतलब सारा शेयर हुआ था। तो अभी तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी 26 साल की, अगर हाँ 26 साल की सपना है तो अभी इतनी मच्योरिटी तो उसमें आ गई है, उसको अच्छे बुरे का फर्क पता लग गया है ना। अभी जिसने इतना, कहते ना इंसान से एक बार अगर कोई गिर जाता उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तो बंदी फिर कितने, मतलब किसने क्या ही कहें, इतने जख्म इसको मिल गए हैं, इतने दुख इसने झेल रही हैं, तो अभी समझदार तो ये हो गई है, लेकिन अभी तो इसको इतना पता लग गया है कि मुझे जो भी है वो मेरा और मेरी बच्चियों का है, मुझे किसी को हैंडओवर नहीं करना है। अदरवाइज सपना जो है वो लीगली भी जा सकती है, लीगल एक्शन भी वो ले सकती है, तो उसके लिए भी उसको देर नहीं करनी चाहिए, है ना। तो सास ससुर के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भाई वो तो खुद अभी दुख में है, बहुत परेशान है, वो चीज़ें जो पीछे हो गई हैं तो उसके लिए क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी खुद बहुत दुखी हैं, जिन्होंने अपनी, किसके लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए, किसके लिए जोड़ते हैं, बच्चों के लिए, है ना, जब वो ही नहीं रहे, उनकी निशानियां हैं, कम से कम उन्हीं को संभाल लो। लेकिन अभी फ़िलहाल सास ससुर को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, जहाँ फिर कह दें कि जो सास है उसको अपने मायके वालों की बातों में नहीं आना चाहिए, उनको साफ मना कर दें कि हमारे घर का मामला है, तुम्हें आने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाने, हमारी बहू जाने, ठीक है, जो कुछ भी है हमारा, हमारी बहू का और हमारी पोतियों का, है ना। तो कुछ एक कमेंट ये भी आ रहे हैं कि तीसरी शादी के लिए सपना को प्रेशराइज किया जा रहा है, भैया दो शादियों में उसको इतना दुख मिल गया है, अब तीसरी शादी वो करके क्या करेंगी, अभी उसको थोड़ा स्टेबल होने दो भैया, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है 30 के बाद भी वो कर सकती है, अभी उसके पास टाइम है, पहले वो उसको स्टेबल होने दो, अपनी बच्चियों के लिए थोड़ा सिक्योर, उसको मतलब क्या कहते हैं, अपनी बच्चियों का फ्यूचर थोड़ा सिक्योर करने दो, उसके बाद ये उसका पर्सनल मैटर है, पर्सनल उसका ये है कि डिसीज़न कि उसको तीसरी शादी करनी है या नहीं करनी, ये हम लोगों को नहीं पता। तीसरी शादी के लिए अभी तक तो सपना ने भी यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं किया कि मुझसे मतलब फोर्सफुली कहा जा रहा है, जब प्रेशर डाला जा रहा है मेरे पर तीसरी शादी करने के लिए, तो फिर भी वही बात आती है, प्रॉपर्टी का चक्कर फिर आ जाता है यहाँ पर, है ना।
तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, देखते करते हुए, मैंने तो अपने विचार जो है आप लोगों के साथ साझे किए हैं कि सपना को अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है और स्ट्रॉन्ग भी बनना है कि अपनी बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर करें और अपना चैनल, चाहे दो है इसके चैनल, चाहे तीन चैनल है इसके, है ना, प्लस जो प्रॉपर्टी है, तो वो भी किसी की गलती से भी, जो भी इन्वेस्टमेंट रही है इनकी, वो कभी किसी के हैंडओवर ना करें, है ना, चाहे वो कितना भी खास परिजन क्यों ना रहा हो। तो ये सारी बातें हैं। अब आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।